सबसे प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता में से एक हर्षद चोपड़ा जी ने मुख्य रूप से टेलीविजन तारक बेपनाह में निभाई गई भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने जेनिफर विकेट के साथ आदित्य हुड्डा की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें बड़ी पहचान मिली थी। इससे पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सीरियल किस देश में मेरा दिल में काम किया था, जिसमें वो प्रेम जुनेजा का किरदार में दिखाई दिए। हालांकि इस दिल के एक अभिनेता ने फिल्मों और टेलीविजन तारक के दोनों में अपनी पहचान बनाई है। उनका जन्म 17 मई 1983 को भारत में हुआ था, जहां वे अपने भाई बहन और परिवार के साथ बड़े हुए। उन्हें कम उम्र में ही अभिनय का बहुत शौक था और वे हमेशा अभिनेता बनना पसंद करते थे। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने वह हासिल कर लिया जो वो बनना चाहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद चोपड़ा ने करियर के रूप में अभिनेता क्षेत्र में शामिल होने के लिए कदम बढ़ाया और सौभाग्य से वह न केवल अपने आकर्षक व्यक्ति के साथ बल्कि अभिनय कौशल के साथ भी इतने लोकप्रिय हो गए। 2006 में हर्षद चोपड़ा ने जी टीवी पर प्रसारित ममता नामक एक भारतीय टेलीविजन धारावाहिक में से अपना करियर शुरू किया, जिसमें उन्होंने करण श्रीवास्तव की भूमिका निभाई, जो 2006 से 2007 तक शुरू हुआ। बाद में वह लेफ्ट राइट सहित विभिन्न टेलीविजन तारक में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने कैडेट अली बेग की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें काफ़ी पहचान मिली। इसके अलावा उन्होंने तेरे लिए में काम किया, जिसमें उन्होंने अनुराग गांगुली का किरदार निभाया। के साथ ही हर्षद चोपड़ा ने सोनी टीवी के अबरा धारा नामक धारावाहिक में काम किया, जिसमें उन्होंने कश्मीरा इनान के साथ अक्षत मेहरा की भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने 2008-2010 तक स्टार प्लस की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली धारावाहिक किस तीस में मेरा दिल में भी काम किया। नाटक में उन्होंने प्रेम जुनेजा की भूमिका निभाई, जिसके लिए वह इतने लोकप्रिय हुए। 2011 में वह NDTV इमेजिन के धर्म पत्नी में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने असिया काजी के साथ मोहन गल्ला की भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने लाइव ओके के शो दिल से दी हुआ सौभाग्य पाव में भी काम किया श्रुति झा के साथ। 2014 में हर्षद चोपड़ा ने सोनी टीवी के हम सफल में नामक धारावाहिक में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने सिका पठानिया के साथ सहील अजीमी चौधरी की भूमिका निभाई। 2017 में सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता ने 2016 द एंड से अपनी फिल्म की शुरुआत की। फिल्म में वह पिया बनर्जी, क्यूकू सरदार और दिग्या शर्मा के साथ राहुल की भूमिका में नजर आए। बाद में 2018 में वह टेलीविजन पर वापस आए और कलर्स टीवी के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बेपनाह में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने जेनिफर विकेट के साथ अदिति हुड्डा की भूमिका निभाई। यह सफल रहा और सप्ताह के 5-6 में से शो बन गया। उन्हें 2017 में टाइम ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध भारतीय टेलीविजन पर 120 वर्षीय पुरुष में 16वें स्थान पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हर्षद चोपड़ा को ईस्टर्न आई की 50 सबसे सेक्सी पुरुष की सूची में 19वें स्थान पर रखा गया है। इन शानदार अभिनेता ने सहा कलाकार जेनिफर विकेरी के साथ 2018 की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी का खिताब जीता। उनके अद्भुत कार्य के लिए उन्हें विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने टेलीविजन तारक में शानदार प्रदर्शन के लिए विभिन्न नामकरण अर्जित किए। इसके अलावा उन्हें कुछ पुरस्कार भी जीते, जैसे इंडियन टेली अकेडमी अवार्ड, इंडियन टेली अवार्ड, एशियन यूजर टेली अवार्ड और लायन गोल्ड अवार्ड भी है।